तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सेलों का संयोजन कि किसी विद्युत परिपथ की विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा की आवश्यकताओं को देखते हुए हम सेलों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों संयोजन में हम देख लेते हैं कि विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा के मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट मैं देख रहा हूँ श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले मैं इसका परिपथ देख लेता हूं। इसमें मैं क्या करता हूं कि दो सेल है मेरे को, ये रहा मेरा फर्स्ट सेल, प्लस माइनस ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मेरा दूसरा सेल, प्लस माइनस। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि मेरे पास दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल हैं E1, E2, और ऐसे इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2। तो सेलों का वह संयोजन जिसमें विपरीत ध्रुवता की प्लेटें आपस में जुड़ी हो। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हिस्सा है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यदि और सेल जोड़ूं मैं तो फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, यानी कि विपरीत ध्रुवता की प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसको मैं एक रेजिस्टेंस से जोड़ देता हूँ, ये मेरा बिंदु P मान लेता हूँ, ये मेरा बिंदु N मान लेता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया मैंने और इसमें धारा बह रही है यूँ। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है। यानी कि सबसे पहली बात, विपरीत ध्रुवता की, ध्रुवता से मतलब है प्लस या माइनस, इलेक्ट्रोड का धन सिरा ऋण सिरे से, ऋण सिरा धन सिरे से, यानी विपरीत ध्रुवता की प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस संयोजन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि दो सेल लेते हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 हैं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्रमशः R1 वे स्मॉल R1 वे R2 है, और जो बिंदु P व N है इनके बीच में जो विभवांतर है वो मैं मानूंगा कैपिटल V, और एक प्रतिरोध R जुड़ा है मेरे पास। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इसमें प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा का मान क्या रहेगा? समान, यानी कि प्रवाहित धारा वो क्या रहेगी? एक समान। तो फर्स्ट सेल के लिए मैं विद्युत वाहक बल, सॉरी, विभवांतर की गणना कर लेता हूँ। यानी कि प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर, यानी कि जो विभवांतर है वो क्या होगा? इसके लिए जो विभवांतर होगा वो होगा V1, यानी कि V1 इक्वल टू, सेल के लिए विभवांतर क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस I R, यानी कि जो सेल का विद्युत वाहक बल E माइनस उसका आंतरिक रेजिस्टेंस और धारा का गुणनफल, यानी V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। तो इसका विद्युत विभवांतर V1, इसका विद्युत वाहक बल E1, और इस में प्रवाहित धारा I सबके लिए सेम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के
के सिरों पर विभवांतर, यानी कि इसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V2, इसका विद्युत वाहक बल E2, धारा इसमें R1, आंतरिक रेजिस्टेंस R2। अब यदि मैं कुल विभवांतर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि इन दोनों का मैं क्या कर दूं, योग कर दूं। तो V इक्वल टू यहां से आ जाएगा E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। तो यहां से E1 E2, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है वन। समीकरण एक मेरे पास क्या आई, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, ये मेरे पास आई V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई आर वन प्लस आर टू, समीकरण वन। अब यदि जो बिंदु P व N है इसके बीच में मेरा प्रतिरोध जुड़ा है कैपिटल R, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, यानी P व N के मध्य I धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, इक्वेशन हो जाएगी मेरी टू। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से V इक्वल टू आई आर, यहां से E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब यदि I वाले पदों को मैं एक तरफ ले लूं, यानी कि IR प्लस I R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2, I कॉमन ले लेते हैं R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2, इसे मैं I इक्वल टू लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 अपन में R प्लस R1 प्लस R2, ये I का मान आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो E1 प्लस E2 है ये क्या होता है, जहाँ E0 बराबर E1 प्लस E2, यानी कि ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसका तुल्य विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत वाहक बल कह सकता हूं, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है, ऐसे ही जो R1 प्लस R2 है इसको मैं क्या कह सकता हूं, R0 इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 क्या है, संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि E1 प्लस E2 को लिख सकता हूं मैं E0 और R1 प्लस R2 को क्या लिख सकता हूं, R0। ये क्या हो जाएगा, I बराबर E0 R प्लस R0, ये मेरा रिलेशन आ गया I के लिए।
अब ये तो बात थी कि जब मेरे पास दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, यदि मेरे पास एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका विद्युत वाहक बल क्या होगा और आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो यदि देखो, यहां मैंने तुल्य विद्युत वाहक बल निकाला, कैसे, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल को जोड़ के। आंतरिक प्रतिरोध निकाला दोनों के तुल्य विद्युत वाहक बल को जोड़ के, यानी श्रेणी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट योग कर रहे हैं। यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा, जो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल E0 क्या हो जाएगा, जितने जुड़े होंगे उतने का योग हो जाएगा, यानी n जुड़े हैं तो ये n का योग हो जाएगा। ऐसा ही आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इन सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा R3 टेस्ट करके Rn। अब मैं इसमें एक स्पेशल केस लगा दूं कि n जो सेल है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनका जो विद्युत वाहक बल और जो आंतरिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है जो n सेल जुड़े हैं उनका विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेम है। समान है। अगर आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल समान है, इसका क्या तात्पर्य है कि जो मेरा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है किसी एक राशि के बराबर मैं मान लेता, एन बराबर किसके मान लो, ए के। ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये भी समान है, यानी कि R1, R2, R3 डैश डैश Rn किसके बराबर होगा, R के। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, तुल्य प्रतिरोध, कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, उनका योग हो जाता है, यानी कि E प्लस E प्लस E प्लस E और E। यानी कि यहां से मेरे पास E0 जो तुल्य विद्युत वाहक बल किसके बराबर आ गया, ये E कितने बार आया, N बार, यानी कि N E, ये तो आ गया मेरा तुल्य विद्युत वाहक बल। ऐसे ही जो प्रतिरोध होगा उसको भी हम N बार जोड़ देंगे, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस, यानी कि R कितने बार आया, N बार, यानी कि NR। यानी कि इस कंडीशन में E0 तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विद्युत वाहक बल किसके बराबर है, एन ई के, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर है, एन आर के। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, कि I बराबर E0 को लिख सकता हूँ एन ई, और R0 को क्या लिख सकता हूँ, एन आर। अब यदि इस n को मैं इस पूरे में डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, e अपॉन में R/n + R। ये मेरे पास इसमें धारा का मान आ गया। तो दोस्तों, जो ये श्रेणी क्रम संयोजन है इससे कुछ बेनिफिट है क्या, क्या बेनिफिट है इससे, श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं क्या है, अभी हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में
तुल्य विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, यानी कि दो सेल जोड़ रहा हूं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल दोनों के योग के बराबर, यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हमने देखा था कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आया था, E0 बराबर NE, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, R0 = NR। इसके अलावा जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो संयोजन क्या है, उपयोगी है, यानी कि परिपथ में धारा का मान भी बढ़ जाता है, यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या है, उपयोगी है। अब यदि मैं एक कंडीशन लगा दूँ इसमें कि ये जो मेरे सेल की प्लेटें हैं, यदि इनकी ध्रुवता बदल दूँ, यानी कि ये माइनस इधर कर दूँ प्लस इधर कर दूँ, ये माइनस इधर कर दूँ ये प्लस इधर कर दूँ, तो क्या होगा कि जो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा, यानी प्लेटों की ध्रुवता बदलने पर जो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, E1 - E2, या फिर अगर पहले E1 - E2 था तो फिर क्या हो जाएगा, E2 - E1, यानी पहले के ये एंटी हो जाएगा। तो ये था सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन।